अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिकली बॉर्डर लगाने का तरीकाकार देखेंगे। तो आइए चलते हैं, बॉर्डर लगाने का तरीकाकार देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे कि आप लोग ये देखें कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया और ये और बॉर्डर हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं एंट्री करूँ तो ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर हो जाए, यानी हमें सेलेक्ट करना ना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना इसको पहले बॉर्डर को ख़त्म कर देना, नो बॉर्डर, क्लियर। उसके बाद आपने जितने भी एरिए पे बॉर्डर की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स पर आए। न्यू रूल्स पे आने के बाद इसमें आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट यूज़ अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब इसमें हमने ये सेलेक्टेड कर लिया, यहाँ पर हम लोग करेंगे इक्वल दिस वन, ये सेल्स है। अगर इस सेल्स में जो है कोई भी वैल्यू, यानी इसमें अगर इसमें कोई भी वैल्यू ना एंटर हो तो बॉर्डर ना करें। और इसमें क्या एंटर, नॉट इक्वल एम्प्टी, ठीक है, यानी अगर ये सेल्स खाली ना हो तो बॉर्डर करें, ठीक है। बॉर्डर में आए, क्लिक किया, यहाँ से आप बॉर्डर की लाइन, बॉर्डर टाइप सेलेक्ट, ओके, ये देखिए तमाम बॉर्डर। अब अगर आप यहाँ से इसको पहले को ख़त्म कर देते हैं, बॉर्डर ख़त्म, जैसे ही आप लोग इसको एंट्री करेंगे, जो कि हमें पता है ये ज़रूरी है, आपका बॉर्डर ऑटोमेटिकली जो है वो इसके ऊपर, शीट के ऊपर बॉर्डर लगता रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और इस ट्रिक को आप अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। That's good. Okay, yeah, love is.